आपकी बार आप अकेले दिख रहे हो, बाकी बार आपके साथ में राजनीति नहीं करना चाहिए खेल में, लेकिन आप अकेले हैं इस बार थोड़ा। हाँ राजनीति तो मेरे साथ जनता है, अकेला कैसे हूँ। नहीं आप मंत्री जी वगैरह नाम तो काफी वो, देखे वो साथ में धोरीमीना का पूर्व प्रधान दादाराम जी आए थे यहाँ पे, तो आपको बहुत बहुत स्वागत और विद्यार्थियों की ओर से खेल की पहल। खेल कूद अभी जो चल रहे हैं ये बहुत शानदार हैं, खेलों के साथ साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ खेल, इससे जीवन मजबूत होता है, दिमाग का विकास होता है। और मेरे को सभी क्षेत्र में बुला रहे हैं, मैं निरंतर लोगों से मिल रहा हूं और लोगों का उत्साह है कि हमें खेल कूद शिक्षा और स्थानीय सब तरीके से लोगों का अच्छा मेल मुलाकात का काम हो रहा है। आप बात करें नशे की, मैं नशे आजकल बहुत बढ़ गया है, नशे के लिए बहुत बढ़ गया है। हम खूब लोगों को समझाइश कर रहे हैं, सब लोगों को मिल करके इसका विरोध करना चाहिए। नशा क्षेत्र में लोगों को खोखला कर रहा है, कई घर उजड़ गए हैं। नशे से दूर रहने के लिए हम युवाओं को बहुत 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 बार कहते हैं, और नशे जीवन के लिए बहुत ख़राब है। आपकी बार आप अकेले दिख रहे हो, बाकी बार आपके साथ में आप राजनीति नहीं करना चाहिए खेल में, लेकिन आप अकेले हैं इस बार थोड़ा। हाँ राजनीति तो मेरे साथ जनता है, अकेला कैसे हूँ। नहीं आप मंत्री जी वगैरह नाम तो काफी वो आवे नहीं आवे, लेकिन जनता मुझे प्यार है, मुझे बुलाते हैं, बहुत स्नेह है, और कहते हैं दूसरा आओ चाहे नहीं आओ, लेकिन मेरे को तो कहते हैं ताजाराम तुम्हारे को तो आना ही आना है, आप तो स्थानीय हैं, यहाँ के हैं, मैं उनका बेटा हूँ, और मुझे बुला रहे हैं सब जगह। कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम शानदार लगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विकास सेवा समिति के अध्यक्ष मेरे साथ हिडमतराम जी एम्पा साहब, जो यहाँ पाबुनाडा कार्यक्रम के लिए आप अपने विचार रखते हैं। बस मैं तो यही है, जैसे जो शिक्षा है, जैसी शिक्षा में जितना ध्यान दे इतना ही बच्चे जो खेलकूद में ये अच्छा दिखा रहे हैं, इसलिए हमें भी खुशी हुई कि भाई बूल ग्राम पंचायत का पाबुनाडा इसके अंदर ये बच्चे खेलकूद के अंदर अच्छा मतलब खेल किया, और इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ में बोवेल के पीओ साहब, जो यहाँ खेलकूद के बारे में आपको विस्तृत जानकारी। हाँ मैं तिलाराम चौधरी, प्रिंसिपल भारतीय की बेरी पीओ बोल, जो हमारे पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य के प्राथमिक विद्यालय पाबुनाडा ने जो जिम्मा लिया है, और विद्यार्थी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग शिक्षा के साथ साथ एक खेल भी है, तो उनमें सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अनुशासन ढंग से खेले, और निर्णायकों ने जो भी निर्णय दिया उसके आधार पर जो विद्यार्थियों और विजेता टीम ने आपका विजेता के रूप में योगदान रखा। टीमें हमारी पंचायत में कुल 10 स्कूल हैं, और उनमें से एक विद्यालय ने भाग नहीं लिया, 9 विद्यालय ने भाग लिया, और उसमें से 4 टीम छात्रों की कबड्डी में, और जो ये जितना भी कार्यक्रम हुआ है यह भामाशाहों ने एक दूसरे बढ़ करके जो भाग लिया, और भामाशाहों के द्वारा ही ये कार्यक्रम को अच्छा उस स्तर पर पहुँचाने का जो कार्य किया है, और उसके लिए मैं तह दिल से भामाशाह का आभार हूँ और विद्यालय परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को भामाशाह मेरे साथ रणवीर सिंह जी, जो आपने विचार व्यक्त। हाँ जी धन्यवाद भगवान जी आपका। पधारे हुए समस्त बूल ग्राम पंचायत के स्कूलों के सारे स्टाफों को पाबुनाडा ग्राम स्कूल की तरफ से मैं हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ। कल से हमारे यहाँ चल रहा जो खेल की भावना से खेला गया, बूल रामावास बिलोकी बस्ती पाबुनाडा और बूल गांव, सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया, और सब अपनी हद से प्रदान करके आज कुछ स्कूल है जो फर्स्ट सेकंड आया, वो अभी थोड़े टाइम में मालूम पड़ जाएगा। और इस कार्यक्रम में हमारे गांव के सभी भामाशाहों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा दिया है, जो आप सब देख रहे हो, उसके लिए मैं समस्त स्कूल स्टाफ गणों का और ग्रामीण की तरफ से सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके विचार रखते हो ये जो ग्रामीणों ने और पंचायत अपने जो खेलकूद प्रतियोगिता रखी है, ये बहुत सही तरीके से हुआ है, और सब भामाशाहों के और पूरे गांव का सहयोग रहा है, और हम इसको अच्छी तरीके से सफल बनाएंगे, और आगे भी भविष्य में कहीं भी हमारे ऐसे प्रोग्राम रखेंगे उसमें हम बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, और
जो भी है बहुत अच्छा बना है। ये इतना बड़ा कार्यक्रम करना सरे किसे जाता है? सरे हम सब ग्रामवासियों को जाता है। अगर एक व्यक्ति और एक व्यक्ति कोई पर्सनल व्यक्ति से किसी ने नहीं किया है, हम सब गांव के सहयोग से किया है और हम सब गांव में एकजुट जुड़कर गांव को आगे प्रगति करना चाहते हैं और गांव को आगे विकास की प्रकार से हम चलाना भी चाहते हैं। और ऐसे जो भी प्रोग्राम और कार्यक्रम होते हैं उसमें हम पूरा गांव बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और जो भी काम है वो सफल बनाना चाहते हैं और बनाएंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। शुक्रिया।